नहीं गिरेगा, बेफिक्र रहिए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम ताजदार अमरोही है। कमाल अमरोही साहब का नाम तो सुना ही होगा, मरहूम कमाल अमरोही साहब। मेरी एक फिल्म थी शंकर हुसैन, उसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया था खयाम साहब ने, और खयाम साहब ने ही मेरे वारी साहब की फिल्म रज़िया सुल्तान में म्यूज़िक दिया था। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को मालूम होगा, क्योंकि वो गीत जो है, ऐ दिल नादान आरज़ू क्या है जस्तजू क्या है, आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगा। खयाम साहब की मौसीकी जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि आसमानों को छूती थी तो कम ना होगा। वो आज के दौर के एक अजीब व गरीब शाहकार म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिनको इस बात का भी इल्म था कि आज की नौजवान पौध क्या चाहती है, किस किस्म का म्यूज़िक चाहती है, और जो अपनी उम्र से ज़रा आगे निकल चुके हैं वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना म्यूज़िक में ना शायरी में। वो कोई भी ऐसा म्यूज़िक नहीं देते थे किसी भी फिल्म में जो वो अपने स्टैंडर्ड से, अपनी सतह से नीचा समझते हो, और वो ये बात जानते हो कि ये उनके वक़ार और उनकी इज्जत पर कल कोई बात आ सकती है, इसलिए उन्होंने वही काम किया जो उनके दिल को भाया, और जो वो ये बात जानते थे कि पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पसंद करेगी उनको। इनके गाने हमेशा अमर रहेंगे, इनकी मौसीकी अमर रहेगी। बहुत ही खुश उसलूब इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत हमदर्द इंसान थे, बहुत फोका बोलते थे, बहुत आहिस्ता बोलते थे, बहुत प्यारे शख्स थे। इतनी मोहब्बत थी उनमें लोगों के लिए और इज़्ज़त थी लोगों के लिए कि मैं बयान नहीं कर सकता। हर छोटे बड़े से बहुत प्यार से मिलते थे, अपने म्यूज़िशनों से, अपने को सिंगरों से, अपने और साथियों से, प्रोड्यूसरों से, डायरेक्टरों से, और जितने भी लोग थे सबकी वो इज़्ज़त करते थे, और लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, समाज उनकी इज़्ज़त करता था। मेरी ऊपर वाले से और यही दुआ है कि वो उनको जन्नत में एक आला मकाम दे, और उनको, उनके ख़ानदान को, उनकी बीवी को, और उनके और दूसरे लोगों को सब्र अता करे। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अरे दादा रुको एक मिनट। तैयार है? तैयार है ना आप लोग? मैं राजू नौशाद, खयाम साहब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे गोल्डन एरा के, ये आखिरी मुग़ल थे, वो आज चले गए। ऐसी शानदार हस्ती, इंसान के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी आकार होते हैं,
चाहे वो कलाकार का हो, संगीतकार का हो, अदाकार का हो, हर रूप में बेहतर से बेहतरीन थे वो इंसान। इतने अच्छे थे कि इंसानियत भी उनके नाम पे फ़ख्र करती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आज से लगभग 40 साल पहले फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत मेहरबान थे मुझ पे, अपनी बेटी मानते थे और मोहब्बत की इंतहा देखिए कि अभी 2 साल पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनकी तबीयत नासाज थी, तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया और मैंने कहा खयाम साहब मेरे तबस्सुम टॉकीज़ में मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ आपका, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरी बेटी हो, जब चाहो आ जाओ, मैं दूंगा। वाकई उन्होंने मुझे बुलाया और इंटरव्यू दिया जबकि तबीयत उनकी बहुत नासाज थी। मैं उनके लिए सिर्फ एक शेर ही कहना चाहती हूँ कि जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। पुराने लोगों की जो यादें हैं उनमें बहुत ही फहरिस्त की लिस्ट में बहुत ही ऊंचा नाम होगा मेरे प्यारे खयाम साहब का। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शुक्रिया। मेरे वालिद जनाब शकील बदायूनी साहब का साथ खयाम अंकल से काफ़ी साथ रहा। खयाम अंकल ने मेरे वालिद शकील साहब को एक शकील साहब ने एक नज़्म लिखी थी जो बेगम अख्तर ने गाई थी, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ सोज़ इश्क से जहाँ बलब मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। ये गज़ल खयाम साहब ने कंपोज़ की थी और काफ़ी साथ था शकील साहब के साथ और हम लोग एक परिवार की तरह थे। और मेरी तरफ से श्रद्धांजलि और इजहार अकीदत मैं पेश करना चाहता हूँ खयाम अंकल को।
कल दोपहर को 2:30 बजे हम लोग को फ़ोन आया कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई खयाम साहब की, और मैं सलीम मर्चेंट और तलत साहब हॉस्पिटल में थे। मैं थोड़ा शाम को लेट पहुंचा और 9:30 बजे करीब उनका निधन हो गया। काफ़ी दिनों से वो और उनकी वाइफ जगजीत जी काफ़ी बीमार चल रही थी और दोनों इनफैक्ट हॉस्पिटल में साथ में थे, और जगजीत जी जो है उनका डिस्चार्ज हुआ था 2 दिन पहले, उनको घर लाया गया था। तलत साहब लगातार उनके साथ बने रहे। सलीम कल 9:30 बजे जब उनका निधन हुआ तो फिर हम सब हॉस्पिटल में थे। बहुत बुरी तबीयत थी उनकी, बहुत बुरा हाल था उनका। 93 ईयर्स ओल्ड, जैसा कि आपको पता है, थे वो। इंडस्ट्री की छत थी, म्यूज़िक इंडस्ट्री की छत थी वो। हमारे माई बाप थे इंडस्ट्री के, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है। और जितने भी उनकी धुनें हैं, जितना भी काम खयाम साहब का है, मुझे लगता है कि वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहा है, अपने आप में एक हिस्ट्री रही है, और उनकी धुनों से ही उनका प्रेजेंस जो है वो हमारे बीच रहेगा, और हम उनको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ता जिंदगी उनकी धुनें अमर रहेंगी और लोग गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। 4 बजे उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी, फुल स्टेट ऑनर्स के साथ। हमारे CM देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और यहाँ से 4 बंगला जो पूरा है वहाँ पर इनके अंतिम संस्कार होंगे, और पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ इनकी अंतिम यात्रा होगी। तो ये पूरा इनका प्रोग्राम है, और हम इंडस्ट्री जो है इनको आज ट्रिब्यूट पे करती है। हम सब इनके जाने से काफ़ी उदास हैं और दुखद हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए। चार बंगले में एक जगह है जहाँ पर ये सब जो होता है, वहीं पे इनका इनको दफनाया जाएगा, और गुरुद्वारे के पीछे एक जगह है, वहीं पे इनकी अंतिम यात्रा समाप्त होगी। 4 बजे करीब जो है लोग सब वहाँ पहुँचेंगे। थैंक यू। खयाम साहब हमारे लिए अनमोल थे, और उनका जो काम जो उन्होंने किया है वो अनमोल है। वो तो खैर अमर हैं, वो खयाम साहब अमर हैं, उनका काम जो किया हुआ है वो अमर है। मैं बहुत मेरे लिए उनके लिए कुछ बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। बहुत सब जानते हैं खयाम साहब कितने गुणी और कितने लाजवाब कंपोज़र हैं, थे, अभी थे बोलना पड़ता है। मैंने काफ़ी काम किया है उनके साथ। मतलब बहुत पहले जब उनके जो तब तो मैं इंडस्ट्री में आई नहीं थी, मगर रिसेंटली कुछ साल पहले मैंने काफ़ी उन्होंने काफ़ी वो फिल्में कर रहे थे, थोड़ी आर्ट फिल्म या ऑफ बीट फिल्म, उसमें मैंने उनके साथ काम किया है। इतने प्यारे इंसान थे वो और जगजीत जी दोनों, ऐसा कपल मैंने देखा नहीं। इतने लविंग, इतने अफेक्शनेट, और इतना हौसला बढ़ाते थे, और जब उनके साथ काम मैं सीखती थी गाना या गवाते थे मुझे, तो इतनी तारीफ़ करते थे कि लगता था खयाम साहब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इट वॉज़ अ डिलाइट टू वर्क विद देम, और बहुत पर्टिकुलर होते थे कि किस तरह से गाने को गाना है। और हमारे लिए मेरे लिए पहले तो मैं डरती थी कि उनके साथ काम करूँगी पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन वो इतने खुश होते थे जब मैं गाती थी, तो इतना आशीर्वाद देते थे कि मुझे हौसला मेरा बढ़ा, और मैंने काफ़ी काम किया, उन्होंने काफ़ी गाने मुझसे गवाए, और मेरे स्टूडियो में उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करी। तो चाहे
मैं गा रही हूँ चाहे कोई और सिंगर गा रहा हो, जब वो मेरे स्टूडियो पे आते थे मैं अपने घर से आ जाती थी स्टूडियो पर और जगदीश जी और खयाम साहब के साथ बैठती थी, खाना पीना, हंसी मजाक, म्यूज़िक, सब की बातें होती थी। मेरे परिवार से भी उनका, हमारे घर भी आए थे जगजीत जी और खयाम साहब, घर भी आए थे हमारे खाने पर, परिवार से भी उनका काफ़ी संपर्क था मेरे परिवार से, तो हम सब उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद आते हैं वो, उनकी बातें, उनका जिस तरह से सिखाते थे गाने, जिस तरह से मुझे गाइड करते थे, क्या कहूँ, एक इंसान चला जाता है लेकिन उसकी जो बातें हैं, उनका जो किया हुआ काम है, वो मेमोरीज रहती हैं। तो आज मुझे रह रहे के खयाम साहब की बातें बहुत याद आ रही हैं। मैं बस ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, और खैर उनका, उनके गाने तो हम लोग सुनते हैं, सुनते रहेंगे, हमारे बाद भी वो गाने चलते रहेंगे, वो ऐसे अमर हैं। जगजीत जी, हाँ जी, मैं मिली उनसे अभी, उन शायद उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि अब मैं बेहतर हूँ। उनमें और खयाम साहब में इतना डिवोशन था, ऐसे कपल थे वो, मतलब एक दूसरे का साथ छोड़ते ही नहीं थे एक सेकंड के लिए भी, हमेशा साथ, इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी नहीं किसी भी कपल में, इतने सालों से दे वर टुगेदर, और हर बार में मिलती थी मुझे लगता था उनका प्यार और बढ़ गया है। आप पता नहीं, जगजीत जी को ईश्वर शक्ति दे टू बेयर दिस लॉस। अभी तो खैर वो आधी नींद में थी तो ज़्यादा, और तबीयत भी ठीक नहीं है तो ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन मैं बाद में आऊँगी, फिर उनके पास बैठूँगी, उनसे बातें करूँगी। क्या बताऊँ, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन दिस इज़ वॉट इज गॉड्स विल, कुछ किया नहीं जा सकता। एक गाड़ी हटाए साला तो लिखे नहीं, 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 नही
आप सवाल कौन कर रहे हैं? सवाल वो सर, रेडी रहो, रोलिंग। देखिए खयाम साहब और मेरा रिश्ता बिल्कुल एक बाप बेटे का था, काफ़ी अरसे से वो उतना ही प्यार करते थे मुझे जितना मैं उन्हें प्यार करता था, भाभी को भी। और मेरी मुलाकात हर हफ्ता दो बार यहाँ होती थी, यहाँ मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ के मैं आता था, वो इंतज़ार करते थे। यानी ये सब बातें तो दूसरी है, लेकिन मैं इस सब ये कहना चाहता हूँ कि मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई थी 40 साल पहले, जब मैं पहली बार आया था इस शहर, और उन्होंने जब वादा किया था कि बेटा मैं तुम्हें एक दिन ब्रेक दूँगा, और उन्होंने दिया। तो आज फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरा नाम हुआ एज ए सिंगर, सबसे पहले इनको जाता है, क्योंकि उमराव जान पहली फिल्म थी जिसमें मैंने गज़ल गाई, वो उसके बाद बाजार। तो ये दो जो गज़लियात हैं ये बहुत ही आइकॉनिक हैं। बाकी की बात ये है कि खयाम साहब बहुत ही सिंसियर, सीधे और हर आदमी के साथ बहुत प्यार और तहजीब के साथ बात करते हैं, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। यकीन कीजिए आप, अगर कोई जूनियर मतलब सिंगर भी आता तो उन्होंने वो एड्रेस करते थे साहब। तो मैंने कहा कि एक बार मैंने खयाम साहब से कहा कि खयाम साहब वो तो आपके बच्चा है। नहीं बेटा, बच्चा है अलग बात है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल है तो मुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं मेरी आदत है, तहजीब है मेरी। तो बस ये है कि मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। 21 दिन मैंने देखा है उनको अस्पताल में लड़ते हुए, 93 ईयर्स के थे वो, और उनका जो इन्फेक्शन था काफ़ी सीवियर था लंग्स में। तो इस उम्र में डॉक्टर्स भी हैरान थे कि कैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स होते थे, अप्स एंड डाउन्स होते थे, काफ़ी उन्होंने लड़ा, लेकिन अब अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी, वो कल उनको उठा ले गए, और अब जो फ़र्ज़ है निभाना वो हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी का तो बस ये है कि जो उन्होंने काम किया, उनका जो काम कभी भूला नहीं जा सकता, और वो तो चले गए लेकिन उनका काम सदा 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 बाहर है। कल नहीं, मैं क्या बोलूँ, कल जब अस्पताल में था तो मुझे इत्तला मिली कि आशीष शेलार साहब जो मिनिस्टर हैं उनको पता लगा, तो उन्होंने सीएम को बताया, और ये सारा वो स्टेट अपैरेटस जो है वो एक्टिवेट किया गया। और कल से मैं कहना चाहूँगा कि वाकई इतनी सपोर्ट हमें मिल रही है। अभी मैं गया था फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के लिए जो कब्रिस्तान है चार बंगले पर, वहाँ सारे के सारे ट्रस्टीज मौजूद थे, सारे के सारा कुछ तकरीबन 15 पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे ECP से लेकर डाउन, और पूरा उन्होंने इंतज़ाम किया। पूछा मेरे से क्या टाइम पर, मैं उसमें गए थे, तो मैं इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू ऑल द पावर्स, भाई आपने एक बहुत अच्छे बड़े आदमी का एजाज़ आपने माना और आपने उनको ये रिस्पेक्ट दिया। मैं इनका उनकी तरफ से मैं शुक्र अदा करता हूँ। नहीं नहीं, वो मुझे काफ़ी अरसा पहले मुझे बैठते थे तो बात करते थे, तो मुझसे उन्हें एक दिन कहा था कि बेटा जब भी मेरा वक्त आएगा तो वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ पर फोर बंगले चार बंगले में इत्तेफाक से गुरुद्वारे से ज़रा पहले लिफ्ट को है, बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान है। और आपको एक बात बता दूँ, उस कब्रिस्तान में साहिर लुधियानवी दफन है,
कैफी आजमी साहब वहाँ पर हैं, ज़फ़र गोरखपुरी हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं और बहुत ही तो उनकी ख्वाहिश थी। तो मैं मजाक से कहता था कि कयाम साहब की हाँ भाई क्यों बात कर रहे हैं सब, अभी तो बहुत टाइम है। बोले नहीं बेटा किसको मालूम बुलावा कब आ जाएगा। और अभी भी जब अस्पताल में थे, अभी जब बिफोर ही बिकेम अनकॉन्शियस, मैं जाता था उनसे तो मैं पढ़ता था उनके लिए, वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आकर मेरे लिए कुरान की आयतें पढ़ो, पढ़ता था। तो एक बार उन्होंने कहा कि बेटा बस मेरा वक्त मुझे लग रहा आ गया है, कफन का इंतजाम करो। मैंने कहा नहीं कयाम साहब कोई नहीं, अभी तो आप बहुत ताकतवर हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं फिर भी मुझे अजीब से ख्वाब आते हैं। तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और उन्हें फूंक दिया, मैंने बोला अब नहीं होगा। तो दूसरे दिन वाकई ठीक हो गया। दूसरे दिन गया तो मैं खुद डॉक्टर बोले अभी तो ठीक है, बोला क्या बात है। दो दिन पहले उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, इन्फेक्शन कम हो रहा था, और अचानक कल मुझे दोपहर में जब कॉल आया कि भाई एकदम गिर गए, ड्रॉप हो गया उनका प्रेशर। बस मर्जी थी जो भी था शाम में। देखिए ट्रस्ट के कोई चार्ज नहीं है, ट्रस्ट उन्होंने कायम किया, KPJ ट्रस्ट, खयाम प्रदीप जगजीत कौर, खयाम साहब और जगजीत जी वेयर द मैनेजिंग ट्रस्टीज। और उसमें पांच और ट्रस्टीज हैं जिसमें अनूप है, मैं हूँ, भूपिंदर जी हैं, उत्तम जी हैं और किशन शर्मा एक है नागपुर। वी आर द ट्रस्टीज अपॉइंटेड बाय, और वो सारा जो ट्रस्ट का मामला है वो जब ही एक्टिवेट होगा, जब अल्लाह ना करे जब ये दोनों नहीं गए, एक तो गए अभी भाभी हैं तो शी इज़ मेन पर्सन, तो अभी उनका जो है और उनकी उन्होंने पूरा क्लियर लिख कर उन्होंने लॉयर को अपनी विल दोनों की दे दी है। तो हम जो उनकी इच्छा है, जो उनकी ख्वाहिश है, जैसा उन्होंने चाहा वही होगा। और बहुत ही कमाल का काम किया, हर साल वो फेडरेशन को 1.5-1.5 लाख अपने ट्रस्ट देते थे, फेडरेशन ऑफ सिनेमा एसोसिएशन। और उनका यही था कि जो भी इंडस्ट्री में कोई भी टेक्नीशियन हो या म्यूजिशियन हो जो मदद का हकदार हो तो उसको आप लोग देखेंगे, उसकी मदद करेंगे और वो हम करेंगे। जगजीत जी की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि एज उनकी भी 89 है, अभी अभी मैं डॉक्टर से बात किया, बट हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको, इतना कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है लेकिन कमज़ोरी बहुत है। तो वो देख रहे हैं फुल टाइम नर्स है साथ में, प्रोफेशनल नर्स है, और वो मेरे ख्याल ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। बस देखिए अभी क्या टाइम हुआ, अभी 3:15 बजे यहाँ से वो वैन में पुलिस ऑफिसर्स भी रहेंगे, यहाँ से इनका जनाजा ले जाएगा। 4 बजे पहुँचना है हमें कब्रस्तान पे, वहाँ पर इंतज़ाम हो चुका है। तो 4 से 5 जो कहते हैं जो फाइनल राइट्स घोसल के होते हैं, बॉडी को जो चेंज करते हैं, नहलाते हैं, फिर कफन बांधते हैं, वो 4 से 5। फिर 5:45 को असर की नमाज़ होती है मस्जिद में, वहीं पर मस्जिद है। 5:45 असर की नमाज़ के बाद नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा और वहीं पर उनकी तदफीन मतलब बैरियल होगा। और प्लॉट भी बहुत खूबसूरत हमने चुन लिया है, बहुत ही अंदर जाते नंबर 69 प्लॉट है। लता जी से मेरी सुबह बात हुई, वो काफ़ी अपसेट हैं वो, और बड़ी बहुत बातें की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं शायद नहीं आ पाऊँगी, मेरी कमज़ोरी है। मैं बोला नहीं आ, लेकिन लता जी हैज़ बीन, वो जब से ही बीमार पड़े जब से वो टच में है, उन्होंने फ़ोन पर पूरी उनकी हालत कैसी है, क्या है, कोई ज़रूरत है, उन्होंने बहुत 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 पूछा। मुझे पता नहीं, ये तो अभी अगर आएंगे तो आएंगे, मुझे नहीं मालूम। उन्हें मुझसे कल किसी ने उड़ती की खबर दी कि शायद CM साहब आएंगे दर्शन के लिए, तो अगर आएंगे तो हम यहाँ पर हैं, लेकिन बाकी का तो इंतज़ाम हो चुका है। ही इज़ बीन गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, ये मुझे बताया गया कि वो हमारे वो है तो स्टेट फ्यूनरल, इसलिए सारा पुलिस फोर्स है। अभी उनके जो गाड़ी में जब कॉफिन जाएगा तो 4 पुलिस ऑफिसर्स उस पर खड़े रहेंगे, अभी वो डेकोरेशन में रहेंगे। देखिए यार एक बात सुनिए,
मैंने यहाँ कल ही मैं रात में 3 बजे सुबह में मैंने कहा कि मैं 2000 में सन 2000 में मैंने अपने बाप को खोया, एक बाप को, और कल मैंने दूसरे बाप को खोया। बस इससे आगे मैं नहीं कहना चाहता। थैंक यू। कैमरा किधर गया? हेलो, इधर ही हूँ, अभी आता हूँ, रुको, अभी वो खाना खाने के इधर का जो कैमरा मैन है वो खाना खा के आएगा तो आता हूँ तेरा। हाँ हाँ, मैं यहाँ से निकलूँगा तो फ़ोन करता हूँ। शर्ट वाले को हटना बोलना भाई, जब पहचानता नहीं किसको तो हटना भी। आ रहे प्रीतम लेके आ रहा ना। ओके प्रीतम बोला ना, आओ आओ। एक सेकंड। हाँ पकड़ लिया, चलो। अच्छा छतरी, रोल। हम लोग इतना बड़ा, हम सभी जानते हैं, बहुत ही दुख की बात है। खयाम साहब गुजर गए हैं, और वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट कंपोजर राइट नाउ एट दिस मोमेंट खयाम साहब ही थे, और चले गए हैं। और हमारे साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। हमारी जो बहन है सुलक्षणा, उन्होंने बहुत गाने गाए हैं। इनफैक्ट सुलक्षणा जी को फिल्म फेयर इन्हीं के गाने में मिला था, तू ही सागर तू ही किनारा, और बचपन से हम देखते आए हैं। हमारे नेबर भी थे और बहुत ही कमाल के संगीतकार थे। उनके संगीत में एक जो ठहराव था, जो एकदम गढ़ के जो बनाते थे, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से उस ज़माने के जो बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे उनमें से खयाम साहब वन ऑफ द बेस्ट थे, और उन्होंने संगीत दिया है, अब वैसा संगीत हमको सुनने को नहीं मिलेगा। जी ने गाने उन्होंने दिए, जैसे बहारो मेरा जीवन भी सवारो, लता जी ने गाया, सुलक्षणा जी ने गाया माला तेरी नज़र में तेरा प्यार हम नहीं,
तू ही सागर है, तू ही किनारा है, उनके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी लिया था सुलक्षणा के लिए। और हमारा तो फैमिली रिलेशन था, बहुत दुख की बात है इतने महान संगीतकार आज चले गए हमको। और ये बहुत अच्छी बात है हमारी गवर्नमेंट की कि खयाम साहब को फ्यूनरल दिया जा रहा है, स्टेट फ्यूनरल, ये इज्जत उनको बख्शी है। ये बहुत अच्छा काम हमारी गवर्नमेंट ने किया है, मोदी जी ने भी इसमें शोक जताया है, जो कि बहुत बहुत बिफिटिंग बात है कि मोदी जी ने भी इनके लिए कहा। और बस यही है कि अभी उनकी वाइफ है, उनको शांति रहे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और खयाम साहब को ऊपर वाला जन्नत नसीब करे, हम सबकी दुआएँ हैं। देखिए खयाम साहब का ये एक बात ज़रूर है कि हर गाने में खयाम साहब की एक पहचान नज़र आती है कि ये खयाम साहब का म्यूज़िक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत ही ओरिजिनल कंपोज़र थे हमारे, जितने पुराने कंपोज़र हैं उनका कहीं ना कहीं मिल जाता है कि अरे ये गाना यहाँ से इंस्पायर हुआ है, ये गाना यहाँ से इंस्पायर है, जो कि ठीक बात है। मगर खयाम साहब ऐसे नहीं थे, खयाम साहब बैठ के खुद अपना बनाते थे, इसी वजह से उनका जो म्यूज़िक का कलर है वो नज़र आता है कि ये उनका बनाया हुआ है। आप उनके गाने सुने, उनका अरेंजमेंट सुने, तो आपने अगर जान आपको अगर पता भी ना हो ये किसका, तो आप बोल सकेंगे कि ये खयाम के सुर लगते हैं। तो ये एक जो चीज़ होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये खयाम साहब में थी। और लता जी को भी बहुत बहुत ही खूबसूरत गवाया है, लता जी को बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए खयाम साहब ने, बहुत ही अच्छे। कभी कभी का पूरा म्यूज़िक आप ले लीजिए, उनका जो स्टाइल था म्यूज़िक का, वो पहले गाना ले लेते थे राइटरों से और उसके बाद कंपोज करते थे। ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि उन्होंने कोई ट्यून बनाई, मुझे तो नहीं लगता कि उस टाइप का वो करते थे। और कभी कभी के भी गाने जो हैं, और आखिरी खत के जो गाने हैं, ये पहले उनको मिले थे उनके ऊपर वो कंपोज करना पसंद करते थे। और शायरी का बहुत ज्ञान था उनको, लिखावट की बहुत ज्ञान थी, बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ हमेशा काम किया उन्होंने, तो बहुत ही ग्रेट म्यूजिक था। और जैसा विजेता दीदी ने कहा है, वैसे टाइप का म्यूजिक अब कभी नहीं हमको सुना, अब नहीं सुनाई देगा वैसा म्यूजिक। वो लास्ट मेरे ख्याल से सुरीले म्यूजिक डायरेक्टरों में से एक थे जो हमारे साथ थे, हाँ, और चले आज वो भी चले गए, तो अब तो आप अलग ही संगीत सुनेंगे, बस वो संगीत सुरीला संगीत अब मुश्किल है। रोलिंग, अरे ऑन किया क्या? बूम ऑन है? ऑन है? बूम ऑन नहीं है, बूम ऑन करना, ठीक है? बूम ऑन कर, रवि 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 भाई, रवि जी रवि भाई, बूम ऑन कर, रवि भाई गाइस रोलिंग एक सेकंड, ऑन है, बस ऑन है ना? हेलो हेलो रवि भाई, रवि भाई रवि, क्या रवि, ये रवि घूम अपना देख, किधर जा रहा है, घुमाओ घुमाओ, आ रहे हैं लेकिन सीधा करो, सीधा रखो, सामने लेके
थोड़ा पीछे करके रख दो ठीक है। अरे मेरा बूम रहने की वजह से मेरा बूम नहीं। खयाम साहब आज तक जो जितने भी कंपोजर्स हुए हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट और सबसे शिरोमणि लोगों में से एक हुआ है। उनका काम अगर आप वैसे तो आप पॉपुलर करना जानते ही हैं, अगर आप अनपॉपुलर भी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उनका गूगल कभी कीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या काम कर रखा है। कई दशकों से वो सक्रिय रहे हैं, हालांकि लेटली उन्होंने इतना कोई काम नहीं किया क्योंकि म्यूज़िक भी बदल जाता है इंसान का और फिर उम्र का तकाजा भी होता है। लेकिन जितने भी नामचीन गुणी लोग हैं वो उनके म्यूज़िक को उनकी कंट्रीब्यूशन को कभी भी लाइटली नहीं ले सकते। उन्होंने बहुत क्लासिक बहुत ही विद्वत वाला काम इंडस्ट्री में करके छोड़ा है और जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी वो भी अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने आपको पता नहीं होगा शायद उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट में दे रखी है। ऐसा कौन करता है? और उनकी उम्र भी 93 के करीब ही है। उनकी वाइफ जो है वो भी बेचारी काफ़ी इस समय उम्रदार हो गई हैं और बीमार वो भी थीं और इनका आपस में जो एक मोहब्बत हम देखते हैं अपनी आँखों से अपने इनका जो प्यार देखते आए हैं वो भी अपने आप में एक मिसाल है। उसके बावजूद भी इन्होंने लिमिटेड अपने लिए रख रखा है क्योंकि दलित जी इनसे बहुत नज़दीक है और मैं दलित जी से बहुत नज़दीक हूँ। तो मुझे दलित जी ने बताया कि अपना संतुष्टि से बहुत ही सेटिस्फैक्शन से ये अपनी ज़िंदगी जीते आए हैं और बहुत ही इसे उतना एक पाकिजगी वाली ज़िंदगी इन्होंने जी है। अब ये तो नहीं कह सकते कि इंसान हमें पता है कि हमेशा कोई ना कोई हम समाचार सुनते हैं, ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी बहुत ग्रेट ज़िंदगी जी है और वैसे ही एक महान तरीके से ये इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। तो हम इस इनकी ज़िंदगी को हम इनका दुख नहीं मनाएंगे, इनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करेंगे। इनके गाने हैं फिर सुबह होगी से का जो कि सुबह कभी तो आएगी से लेकर जाने क्या ढूंढती रहती हैं आँखें मुझ में, सारे इनकी जो उमराव जान की गज़लें हैं, फिर मोहब्बत बड़े काम की जी त्रिशूल का कई इन्होंने बहुत ऐसे काम कर रखे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो ये गाने वो हैं जिनको लोग सुन सुन के बड़े हुए हैं या आज भी उनको उनसे हमने खुद रियाज कर रखा है उन सब गानों से। सो और कुछ प्राइवेट गज़लें भी हैं, गज़ब किया तेरे वादे ने वादे पे एतबार किया, बहुत सारी गज़ल हैं। सो इनका इतना काम अच्छा हुआ है, इन्होंने बहुत सारा काम नहीं किया है पर जो भी किया है बहुत ही क्लासिक काम कर रखा है। तो ये उस महान संगीतकार की विद्वत है जो उनका बड़ा काम है और हम उनको उनके उनके नमस्कार करते हैं। और अभी हम लोग आए हैं इसलिए क्योंकि हम इनको अभी लेकर जाने वाले हैं। एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा है ये क्योंकि देखिए जाना तो सबको होता है मगर उन्होंने जो संपत्ति गानों की हमारे लिए छोड़ी है, सारे सुनने वालों के लिए छोड़ी है, वो खयाम साहब ही एक हैं। और पिछले एक डेढ़ साल से काफ़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा भाग्यशाली हूँ मैंने उनके पास काफ़ी गाने गाए हैं। परफेक्शनिस्ट एक संगीतकार कैसा होना चाहिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण खयाम साहब रहे हैं। मुझे याद है
एक गाने के साथ साथ 8-8 रिहर्सल करते थे हम लोग, और गाना भी जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आती थी तब तक ओके नहीं होता था। और हम लोगों को भी बाद में सुन के लगता था कि जो मेहनत करा रहे हैं वो रंग लाई है। और एक स्पेशल बात है जो पहाड़ी राग को जो उन्होंने जो मकाम दिया है, कोई क्लासिकल वाला भी ऐसी सोच जल्दी से नहीं कर पाएगा जितना अच्छा उन्होंने सोच के पहाड़ी राग में। मेरे ख्याल से 85% उनके गाने पहाड़ी राग के ऊपर बने हुए हैं। एक राग को इस तरह अलग अलग रूप में देना अपने में ही बहुत बड़ी बात है जो कयाम साहब ने हमारे लिए छोड़ी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। धन्यवाद। की बात है, ऐसे क्या होता है कि कोई भी जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नामवर इंसान बड़ा इंसान गुजरता है तो हम हमेशा एक कहते हैं कि आज एक दौर का अंत हो गया, एक ईरा ख़त्म हो गया। अब ये रस्मी बातें हो गई लेकिन कभी कभी ये सच्ची होती है, और आज ये बात सच्ची है कि एक ईरा की जो आखिरी निशानी थी वो आज ख़त्म हुई। खय्याम साहब म्यूज़िक के फिल्म म्यूज़िक के उस दौर से ताल्लुक़ रखते थे कि जहाँ चाहे वो साज हो या आवाज़ हो या अल्फाज हो, इन तीनों की इम्पोर्टेंस बराबर की होती थी। और उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कई सौ फिल्मों में म्यूज़िक दी है, उनके मुकाबले में शायद उनका बॉडी ऑफ वर्क कम होगा खय्याम साहब का, उतनी फिल्में नहीं होंगी। लेकिन उनकी जो फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म है उसका भी गाना हमें 40 साल और 50 साल और 55 साल के बाद याद है। जब आज कामयाब फिल्म का कामयाब गाना जो है वो 15 दिन में हम भुला देते हैं, लेकिन उनके जो गीत हैं वो चाहे फिर सुबह होगी क्यों हों, शगुन क्यों, मैं उन फिल्मों का नाम ले रहा हूँ जो कामयाब नहीं हुई थी, रज़िया सुल्तान क्यों, आपको आज तक याद, उनकी धुन आवाज़ की और अल्फाज की बड़ी इज्जत करती थी। जो जिस तरह से आप उसमें सिंगर की आवाज़ को महसूस करते थे और राइटर के अल्फाज को समझ पाते थे उनकी धुन में, और जो कि धुन बहुत एक्सेप्शनल होती थी, वो ऐसा नहीं है मामूली होती, ये कॉम्बिनेशन जो है ये उनके साथ चला गया, अब दिखाई नहीं देता है। और पिछले बहुत बरसों में, खैर अब तो उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं समझता हूँ पिछले काफ़ी बरसों में उन्होंने काम भी बहुत कम किया है, इसलिए कि जिस तरह की ठहराव और जिस तरह की गहराई उनके म्यूज़िक में थी, शायद आज के लोगों को ना वो ठहराव चाहिए ना गहराई चाहिए। बहरहाल जो लोग म्यूज़िक को समझते हैं या उसकी इज्जत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कभी खय्याम साहब को और उनके क्रिएशन को कभी नहीं भूलते। जी हाँ, मैं तो उन्हें अपने बचपन से जानता हूँ। वजह है कि मेरे वालिद साहब के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया, साहिर साहब जो कि मेरे लिए फैमिली ही थे, इसलिए कि वो मेरे फादर के भी सबसे करीबी दोस्त थे और मेरे मामू के मजाक जो कि बहुत बड़े शायर थे उनके। तो मैं जब बम्बई आया था, मैं 20 साल का था, 19-20 साल का,
और काहिर साहब के यहाँ वो हमेशा मुझे मिलते थे, अपने फादर के साथ मिलते थे और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा और फिर इस घर में भी मैं बहुत बार आया हूँ उनके। और वो हम फिर यश चोपड़ा साहब के यहाँ वो जब म्यूज़िक दे रहे थे तो हम स्क्रिप्ट राइटर थे, तो त्रिशूल में हम लोग का साथ भी हुआ और बहुत हमारे मतलब एक पर्सनली सोशली बड़े अच्छे और उम्दा इंटरेक्शन था, रिलेशन था और बहुत दिलचस्प आदमी थे वो। और उनके बात करने का अंदाज भी बड़ा ख़ास होता था, वो ज़बान अलग थी, वो तरीका अलग था। ये रख रखाव वाले पुराने तौर तरीके के लोग थे, तो अब अगले वक्तों की बातें हैं, ना वो तहजीब रही है, ना वो तौर तरीका रहे, ना वो ज़बान रही है और ना वो म्यूज़िक रही। तो एक बहुत खूबसूरत ज़माने के वो एक नुमाइंदे थे कि जिनसे मिल के कुछ ज़िंदगी की और दुनिया की और हमारे अपने समाज की कुछ अच्छी वैल्यूज़ याद आती थी। नहीं नहीं वो तो उनकी ज़्यादातर क्रिएशन बहुत ये ना आपको बताऊं कि ज़्यादातर ही क्रिएशन जो बहुत अच्छी है, कमाल कमाल के गाने हैं उनके। वो सुबह करी तो आएगी जो उनकी है, फिर सुबह होगी जितने गाने हैं, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, आसमां पे मुदा कभी है, शगुन ये बिल्कुल चली हुई पिक्चर नहीं है, तो उसमें तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, क्या खूबसूरत खूबसूरत गाने उनके हैं। कभी कभी मैं फिर ये रज़िया सुल्तान मैं गिनाता चला जाऊँ आपको, कोई पिक्चर ही उनकी ऐसी नहीं है जिसमें एक दो बेमिसाल गाने ना हो। वो एक वो था देखिए चले जाइएगा जिसमें वो हूँ इस्तेमाल किया, क्या क्या चीज़ें थी। कोई फिल्म नहीं है उनकी जिसमें वो जाने क्या ढूंढती रहती हैं आँखें मुझे, जो धर्म जी की पहली पिक्चर थी शोलो शबनम, उसमें क्या क्या जिस फिल्म में खयाम की म्यूज़िक है ये बात गारंटीड है कि उसका एक या दो या तीन गाने आपको याद हो, मुमकिन नहीं कि याद ना। आमतौर से वो लेकिन वैसे भी किया है ना, जैसे ऐ दिले नादा मुझे ऐसा लगता है कि ये धुन पे लिखा हुआ गाना है, ये ट्यून है, मैं आप क्या हॉन्टिंग ट्यून है। अब शंकर हुसैन में उनका वो गाना था अपने आप रातों में चिलमने से रखती है, क्या गाया है और लता जी ने क्या गाया है, क्या अल्फाज के भोपाली के थे, कैसे वो कंपोज करते थे, उसमें लव जिंदा हो जाए आवाज़, आपको ऐसा लगता था रिकॉर्डेड नहीं है मैं सुन रहा हूँ सामने, बहुत लाइफ बहुत कमाल की क्वालिटी थी। और जो मिठास जो सुर का जादू उनमें था बहुत कम लोग, इसलिए कि वो भड़कीली चटकीली नहीं होती थी, वो बड़े ठहराव गहराई के साथ ट्यून होती थी लेकिन सीधी आपके दिल में उतरती थी, बहुत खूबी। कोई भी एक कैमरा डिसाइड कर लो कौन सा कैमरा अंदर रखे, थोड़ा विजुअल लेके सब ट्रांसफर दे दे, सबका कंपैटिबल है। तो जो भी दो टाइप के कैमरा है ललित के जतिन जी जाऊ दे बाहेर, ह्याला जाऊ दे बाहेर।
लेके आता नहीं तो मैं वाइड ना बैठना। मी का चला फोन करू मी निघाले मला तो गिरी पण गेला बा आतमध्ये मला नको आहे।